उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे सीधा ले। हमने एक बारी में सीधा ले नहीं पहुंचा, तो एक दिन बीच में कहीं ना कहीं स्टे करेंगे। टेंट हमारे पास है, पर टेंट लगाने की अगर हमें जगह मिल पाई तो हम लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। क्योंकि ना रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जलती है, हवा जलती है, तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। निकलना मैंने सुबह सुबह 5 बजे था,
1% का ऐसा नहीं है कि पीछे लोड है या बाइक में पावर कम है। अल्टीमेट मैं कह रहा हूँ, बस फैन हो गया हूँ मैं इसका। ये मैंने बाइक पे लेकर पावर कम तो बहुत होता है, और इसमें हम मारते हैं टूबर बैग को मारेंगे इसी से बाइक से। वो रहा बिंदी आर्ट्स, पाजी नंबर प्रिंट हो जाना, ये टेम्परेरी नंबर प्रिंट कराना है। हो नहीं हो पाएगा, आगे है कोई दुकान है? ये टेम्परेरी नंबर प्रिंट कराना पड़ता है ना। कौन सी है ये पेंट पप्पू? टेम्परेरी नंबर निकलवाना यार, ये इधर नहीं होना, इधर नहीं होना। चलो हाँ हाँ अच्छा, बुरी हालत नहीं मिला, मतलब जो मिला ये कर नहीं पा रहे, अब आगे देखते हैं। बुरा हाल है, कितना जाम लगा हुआ है। गाड़ियां फंस चुकी हैं बुरी तरीके से, लोग जा रहे 3 दिन की छुट्टी में मनाली। देखो हाल क्या होता है, गर्म हो गई गाड़ी। नंबर आपके पास? गाड़ियाँ गर्म लोगों की है। लोगों
जवाब बना देगा हिमालय में। देखो तो करने वाली हालत हो रही है। दोस्तों देख लो गर्मियों में ये हाल होता है। अब अपनी बाइक और गाड़ी को इतना जोर दे देते हो कि गाड़ियाँ गर्म हो रखी हैं, देखो जाएंगे ओवर हीट हो रखी है सारी की सारी गाड़ियाँ। ये फोर लेन एंटर होने से पहले का हाल है। हमने जाना आराम आराम से, हमने तेज जाने ही नहीं। फाइनली नंबर तो लग गया यार। मेन दिक्कत थी ये टेम्प्रेरी नंबर नहीं लिखा हुआ था मैंने, एटलीस्ट ये लिख गया मैं अभी। मतलब जाना मुझे पूरे कुल्लू मनाली साइड था, पर मैं बिलासपुर से होते हुए जा रहा हूँ अंदर। मुझे यहाँ से वो अपने स्लीपिंग बैग लेने हैं अपने ससुराल से, एक स्लीपिंग बैग है और तीन और लेने मेरे को, क्योंकि बंदे बढ़ गए अब हमारे पास वहाँ पर मनाली में मिलेंगे हमारा पूरा गैंग। नंबर मिल गया मतलब लग गया। अब देखिए टेम्परेचर क्या शो कर रहा है गाड़ी, क्योंकि पहाड़ों में वैसे भी ठंडी हवा होती है, पहाड़ों में ऐसा कुछ होगी। देख रहे हो टेम्परेचर डाउन हो गया ना, ये कहानी है पहाड़ों की। क्योंकि पहाड़ों में पेड़ बहुत है, पेड़ होंगे तो ठंडी हवा पास होती है इंजन पे, तो इंजन इतनी जल्दी हीट पकड़ता ही नहीं है। बहुत सही।
बाइक कैसी लग रही है? सर पे तो नहीं लग रहा तेरे? वाली है बाइक का, जहाँ मर्जी उतार दो और जब मर्जी ऊपर चला लो, तो कहीं फंसता ही नहीं है। होता है बहुत तगड़ा फायदा हिमालयन का, जहाँ रास्ता मिल रहा है वहाँ डाल दो। अरे यहाँ पे मेला लगा है ना पराशर में, सब मंडी में जाम ना बहुत ज़्यादा, मेले करके जाम है बहुत ज़्यादा। ज़्यादा था पूछो ही मत, एक डेढ़ घंटा लग गया मुझे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना अभी वो चला हुआ है अपना पराशर में मेला चला हुआ है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस वक्त आ रहे हो 15 के करीब, तो जाम आपको मंडी में बहुत अच्छा खासा मिलता है। गाड़ी हिमालयन जैसी बाइक हो तो मिलता हो और नीचे गई बता सकते हैं, मेंटेन खुद करना पड़ेगा। किसी और की गाड़ी पे क्रैश मत मार देना बस,
भाई जुलाई में पता नहीं कितनी बारिश होती है इस बार, कुछ नहीं पता। फिलहाल तक तो ठीक है मौसम। दोस्तों जाम देख लो कितना है, अपन लोग पे भी इतना जाम है, मतलब इतने लोग जा रहे हैं ना अभी मनाली और ले, खतरनाक जाम लगे हुए हैं। जनता का यही है, एक जगह जहाँ लग जाए ना वहाँ भैंसे लेनी देनी कर देते हैं। सबसे बड़ी गलत बात है लोगों की, जहाँ टकराए वहीं पे सारे हैं, जो इतना बुरा हाल कर देते हैं ना जगह का। ठीक है जाओ, पर ये कोई तरीका नहीं है इस तरीके से जाने का। अब एक जगह पहुँच के सबके सब उसको इतना ज़्यादा क्राउडेड कर देंगे ना कि आपको उस प्लेस का मज़ा ही नहीं आएगा। मनाली अब क्यों नहीं अच्छा रहा? मनाली इसलिए नहीं अच्छा रहा कि लोगों ने पहुँच पहुँच के मनाली की माँ बहने कर दी है। माल रोड साला माल रोड रहा ही नहीं है, सीपी बन चुका है हमारा, दिल्ली का सीपी। पहले वहाँ पहुँचना बहुत बड़ा टास्क होता था मनाली पहुँचना, बहुत माड़ा हाल है। देख रहे हो जाम कितना है एक्सट्रीम। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आए, मतलब ये नहीं है कि लोग ना निकलें घर से बाहर निकलें, पर इतना भी गंद ना मचा दें जगह का कि उस जगह का मज़ा ही ख़त्म हो जाए। अब ये जो है ये गलत है, बाइक पे आओ यार, ट्रैफिक कम, लोग गाड़ियाँ भर भर के इतना पोल्यूशन करके पहुँच रहे हैं। बुरा हाल है भाई, बहुत ही बुरा हाल है। ये देखिए दोस्तों, और टनल से लेके पंडोह तक पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि बीच में ना क्या हुआ है, गर्मी ज़्यादा है तो ट्रक ट्रुक ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो वो ऑन द स्पॉट ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो पीछे पूरा जाम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का जाम नहीं है, मानो बीच में कोई ट्रक ख़राब हो गया, दो लेन है, और दो लेन पर अगर एक लेन पर भी ट्रक ख़राब है तो आप अगले लेन पर जा नहीं सकते, तो वैसे ही जाम लगा हुआ तगड़ा। तो देखो यहाँ पर आगे जाम खड़ा था, वो वहाँ से लेके यहाँ आके ख़त्म हुआ जाम, इतना जाम है वहाँ। बस कैसे कैसे पहुँचे हैं पूछो मत, लेट पहुँचे पर पहुँच गए। एयरटेल के ऐड में आपको याद होगा आता था ना कनेक्टिविटी के लिए, ये वाला ब्रिज है। ये देखो क्या बनाया है उधर, अल्टीमेट टैक्सी। Mm-hmm.